अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है बच्चों, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका नाम है परमुटेशन। चलिए जाओ, तीन हिस्से हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। पहले का नाम है परमुटेशन, दूसरी चीज कहलाई जाएगी कॉम्बिनेशन, और तीसरी चीज है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 जो है ना, ये नाम में तो आपको लग रहा है कि तीन चीजें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये तीन नहीं है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग पढ़ोगे वो फैक्टोरियल होगा। नाम में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फैक्टोरियल मेन टॉपिक है जो इसके अंदर पढ़ना है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इवन प्रोबेबिलिटी, इन सब में फैक्टोरियल बड़ा काम आएगा। अभी फैक्टोरियल क्या होता है हम जरा देख लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक है जो इसके हेडिंग में आपको नजर नहीं आएगा वो है काउंटिंग प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल है जो हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा ये जो शुरू के बेसिक टॉपिक है, उसके बाद फिर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जा रहे होंगे। परमुटेशन की है 7.2, कॉम्बिनेशन की है 7.3, और 7.4 एंड 7.5 ये है प्रोबेबिलिटी की। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। पेपर में एक सवाल आता है, 5 नंबर का आता है सवाल, उसको आप चॉइस में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जिस सेक्शन में चैप्टर नंबर 7 का आता है उसमें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 8 का आ रहा होता है, तो आमतौर पर स्टूडेंट वो कर लेते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन रियल लाइफ के हिसाब से या अगर आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में देखो तो प्रोबेबिलिटी का बकायदा कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैक्सिमम फील्ड में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है। तो इसके बहुत एप्लीकेशन है, इग्नोर इसलिए होता है क्योंकि पेपर में नहीं आता, ये वजह है, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहरहाल, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो 7.1 है। 7.1 परमुटेशन से सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक टॉपिक है वो काउंटिंग प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसको कहते हैं। तो हम उसी से करेंगे। जब हम परमुटेशन पढ़ लेंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 7.1 पे आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें करने से पहले जो सबसे पहला काम हमने करना है वो पहला काम क्या है कि हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले मालूम करेंगे फैक्टोरियल क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे हम फैक्टोरियल से। जो वर्ड आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं, ये स्पेलिंग है इसकी, फैक्टोरियल, FACTORIAL। ये फैक्टोरियल होता क्या है, इसके बारे में समझने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि हम क्यों इसको यूज करते हैं, क्या वजह है। इंपॉर्टेंस देखोगे तब बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। वो वजह ये है कि बच्चों, अगर आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट, मैं लिख दूं लंबा चौड़ा प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई नंबर मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के सामने लिखूं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब लिखने में 10 सेकंड लगे, गुस्सा भी आ रहा है लिखते हुए, टाइम भी जाया हो रहा है आपका, फालतू का आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये पूरी चीज लिखने से बेहतर है कि अगर आप इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म बना दो तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म मतलब इस पूरी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 7, और आप ये सिंबल डाल दो, ये सिंबल कहलाता है फैक्टोरियल का। तो ये फैक्टोरियल, इस सिंबल का मतलब क्या होगा, इस सिंबल का मतलब ये होगा कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो आप, क्या करो उस नंबर को लिखो और उससे नीचे जाते जाओ, मतलब 1 स्टेप आप नीचे जाओ, 7 से नीचे 6 5 4 3 2 1, कहां तक जाना है, up to 1 तक आपने जाना है। तो इन सब चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये चीज कहलाती है 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं 5 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या है, ये मतलब देखो हर चीज आपको मतलब दे रही होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने दो नंबर लिखे हो 5 और 3, इनके दरमियान कुछ ना लिखा हो तो आपको नहीं पता क्या करना है, लेकिन जैसे ही मैं इसके दरमियान प्लस लिख दूंगा अब आपको मतलब समझ आ गया कि हाँ यार मुझे इसको ऐड करना है। तो खाली 5 में कोई मतलब नहीं है, मैंने ये सिंबल डाला, अब इसको मैंने एक मतलब दे दिया, वो के फैक्टोरियल। तो क्या मतलब बनेगा, क्या आप लिखोगे 5 और उससे नीचे जाते जाओगे 4 फिर 3 फिर 2, और कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, दैट्स इट। और इन सब नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आप लोगों के साथ में, यूट्यूब की वीडियो भी बना रहा हूं, तो यूट्यूब पे मैं नोट्स भी अपने फॉलो करवा रहा होता हूं, तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बस याद रहे क्या चीज होती है। तो फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव
इंटीजर, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये पॉजिटिव इंटीजर ही मैंने क्यों लिखा। फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जाम्पल एन मैं कह रहा हूं उसको, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना अच्छा वर्ड रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग जहन में क्लियर कर लो, ये जो फैक्टोरियल की मैंने बात बोली है ये सिर्फ वैलिड है पॉजिटिव इंटीजर्स पे। सबसे पहली बात पॉजिटिव, दूसरी बात इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर आप इंटीजर्स की बात करो तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 चलते जाएंगे, इसी तरह 0, ये सब इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर्स भी कहते हो, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि जीरो है, जीरो का फैक्टोरियल भी डिफाइन है, हालांकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन उसको हमने डिफाइन किया है, वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैक्टोरियल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है पॉजिटिव इंटीजर पे। जो जनरल फॉर्म जो डेफिनेशन मैं करवा रहा हूं सब पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर वैलिड है, जीरो एक अलग केस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हमने क्यों डिफाइन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वो एक अलग चीज है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो फैक्टोरियल जितने भी हैं वो पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बाकी किसी नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो बाकी नंबर के लिए हम क्या करते हैं वो थोड़ी देर बाद में आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि क्या ऑल्टरनेट हमने निकाला हुआ फैक्टोरियल के अलावा। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाओ कि फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, आपके पास कोई भी एक एन है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मैंने करवाया था 7, 5, तो इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये एक प्रोडक्ट है किस चीज का, ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, सब पॉजिटिव इंटीजर्स का, लेस देन और इक्वल टू एन, जो कि एन से लेस हो या एन के इक्वल हो। जैसे आपने यहां पे देखा था कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, ये सब नंबर्स का प्रोडक्ट था जो या तो मतलब इसके बराबर है, मतलब 5 खुद, या 5 से कम, लेस, 4, 3, 2, 1 और अप टू 1 तक जाना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। तो आखिरी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है, इसके बाद जो इंटीजर आएगा 0 वो पॉजिटिव नहीं कहलाया जाएगा। तो किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब आप उस नंबर को लिखो और उससे लेस जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिखो अप टू 1 तक और उन सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये फैक्टोरियल कहलाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है इसकी, नोटेशन, नोटेशन पे जरा आ जाते हैं। एक नोटेशन तो मैंने आप लोगों को लिखवाई भी है, दूसरी नोटेशन भी देख लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एन नंबर है ना, एन कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 10 कुछ भी आप ले सकते हो, आप इसको या तो एन फैक्टोरियल इस तरह लिखोगे या आप इस तरह लिखोगे, दोनों तरीके से बात लिखी जा सकती है। ठीक है, तो नोटेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले एक सेकेंड, अब जो हमारा टॉपिक है नोटेशन देख ली, फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को मैं थोड़े मशहूर फैक्टोरियल बता देता हूं, ये वो फैक्टोरियल है जो आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर याद होने चाहिए। ठीक है, अभी इंटर लेवल पे तो आप लोगों को इशू नहीं होगा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये फैक्टोरियल अगर आपको याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी तेज हो जाएंगी, एटलीस्ट इंटर लेवल पे भी आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएंगी। तो टोटल 7 फैक्टोरियल है जिनका आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अभी आप लोगों को बताया था कि 7 × 6 = 5, 4, 3, 2 और 1, आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपके पास आएगा 5040। ठीक है, इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 720। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। 1 इसमें आप कंसीडर ना भी करो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करो, एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेटिव, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, ये आपको याद होने चाहिए कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720, 5 फैक्टोरियल 120, ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। इसी तरह 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4, 3, 2, 1 और ये होता है 24। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल 3, 2, 1 ये होता है 6। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल ये होगा 2, 1 मतलब 2 के बराबर, और आखिरी हम कौन सा कंसीडर करेंगे, 1 फैक्टोरियल जो के बराबर होगा 1 के,
और नंबर तो बचा नहीं है ना। डेफिनेशन क्या कहती है कि पॉजिटिव इंटीजर जो उससे लेस हो या उसके बराबर हो। अब वन जो है वो इसके बराबर ही है, अब इससे कोई लेस नहीं हो सकता ना, मतलब यहां पे जो वन है वन से कोई लेस इंटीजर हो ही नहीं सकता। वन से लेस कोई इंटीजर होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो दैट्स व्हाई वन फैक्टोरियल जो है वो वन ही होगा, उसका भी और आंसर नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन के मुताबिक आपने देख लिया कि जीरो फैक्टोरियल कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां पे हमने वन से स्टार्ट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और अप टू आप जितने पॉजिटिव इंटीजर का निकाल सकते हो आप निकाल लो, ठीक है। तो ये मशहूर चीजें हैं, मशहूर फैक्टोरियल हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब यहां पे मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखवाता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल का क्या झगड़ा है, क्योंकि बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि जीरो फैक्टोरियल को जीरो होना चाहिए असूली तौर पर। तो खैर हम देख लेंगे कहां से चीज आई है, क्या सीन है। मैं इसकी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं बिल्कुल इसी डेफिनेशन के तहत, कि आप कंसीडर कर लो आपके पास एक नंबर एन है और आपने जनरल फॉर्म एक नंबर एन दिया आपने, ठीक है। इसके फैक्टोरियल को आपने क्या डिफाइन किया था कि अगर एन का आपने फैक्टोरियल निकालना है तो आप एन लिखो मल्टीप्लाई जो एन से वन कम है, इसको आप किस तरह लिखोगे एन माइनस वन। जैसे सेवन था, सेवन से एक कम सिक्स था, इसी तरीके से उसके बाद क्या होगा एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, आप कम करते जाओगे। कहां तक आपने जाना है? वन तक आपने जाना है। तो मतलब आप ये मल्टीप्लाई करते जाओगे एक दफा आएगा कि आप थ्री आएगा, फिर टू आएगा और अप टू वन आ जाएगा। आप देखो हर एक फैक्टोरियल के एंड में वन ही आ रहा है ना, मतलब आपने वन पे एंड हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि एन यहां पे क्या है। अगर फाइव है तो ये चार पांच चीजें होंगी जिनको मल्टीप्लाई करना है, सेवन है तो ये सात चीजें होंगी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जनरल फॉर्म में आप कैसे लिखते हो कि आपने वो नंबर लिखा, फिर एक कम, फिर कम, फिर कम, अप टू थ्री टू वन, बिल्कुल एंड पे आपने जाना है। तो अगर आप इसमें टेन पुट करोगे इनके जगह पे, तो टेन, टेन माइनस वन नाइन, टेन माइनस टू एट, टेन माइनस थ्री सेवन, फिर सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, एंड पे हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल ना जरूरी नहीं कि आप फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करोगे, लाइक सेवन फैक्टोरियल को आप इसी तरह लिख सकते हो, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, नहीं। आप इसको आप ये कह सकते हो पार्शियल फैक्टोरियल, हाफ फैक्टोरियल, जो भी आप कहना चाहो उस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं नीचे फिर बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है फाइव फैक्टोरियल, तो एक तो लिखने का तरीका यह है कि आप पूरा वन तक लिखो इसको, लेकिन अगर आप कहीं दरमियान में रोकना चाह रहे हो तो आप इसको रोक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइव फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हो, फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल। मैं वन तक नहीं जाना चाह रहा, मैं फोर तक रुकना चाह रहा हूं, तो अगर आप वन से पहले रुकोगे ना तो आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। मतलब मैं फोर पे रुकना चाह रहा था तो मैंने फोर पे फैक्टोरियल लगा दिया। बात वही है, आप फोर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे दोबारा यही चीज आएगी फोर थ्री टू वन, और उसको फाइव से मल्टीप्लाई, मतलब ये चीज एक ही है। अब ये आपकी मर्जी होती है, अभी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा 7.1 के, तो उसमें सिचुएशन के मुताबिक आपको अपने हिसाब से रुकना पड़ता है, ठीक है। वो सिचुएशन मैं अभी फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल आता है कि आप इसको सॉल्व करो, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, कैलकुलेटर को साइड पे रखते हैं अभी, ठीक है। अब ये तो वैल्यूज थोड़ी काफी इजी है, मैं एक काम करता हूं इसको जरा मुश्किल बनाता हूं, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले वाली वैल्यू इजी थी, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 120 डिवाइड बाय 6 आप कर दोगे आप लोगों के सर हो गया ये, ठीक है 20 आंसर आ रहा है। मैं थोड़े मुश्किल वाले दे देता हूं, अब आपके पास नहीं काफी दूर हो जाएंगे, करीब कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23, ठीक है। अब कैलकुलेटर के बगैर निकालना आपके लिए मुश्किल है भाई, 25 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करो, फिर उसको 23 फैक्टोरियल करो, फिर इनको आपस में डिवाइड करो, लंबी कैलकुलेशन है। लेकिन आप ये वाला मेथड लगा के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपने देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसमें से छोटा फैक्टोरियल कौन सा है। अगर आप यहां पर सॉरी बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, अगर आप यहां पर देखो न्यूमरेटर में बड़ा फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अच्छा मैटर नहीं करता न्यूमरेटर में बड़ा फैक्टोरियल होगा, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, आपने बस ये देखना है कि बड़ा फैक्टोरियल कहां पे है। न्यूमरेटर में आप क्या करो, बड़े फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो। मैं 25 को किस तरह लिख सकता हूं, 20 मतलब 25 फैक्टोरियल को 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 और ये चीज चलती जाएगी। आपको कहां तक जाना है? वन तक जाना है। मुझे कोई फायदा नहीं होगा इसका, लंबी सी मल्टीप्लीकेशन है। मैं देखूंगा नीचे, नीचे लिखा हुआ 23 फैक्टोरियल, मैं क्या करूंगा, मैं 23 पे रुक जाऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा 25 24 23 और मैं यहां पे रुक जाऊंगा,
अगर मैं 1 से पहले रोकूंगा तो मुझे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ये चीज। अब 25 फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैंने वही चीज बताई थी, आपकी मर्जी, आप कहीं भी रुक सकते हो। अब सवाल पे डिपेंड करता है आपको आसानी किस चीज में। अभी यहां पे आपको आसानी थी 23 पे रुकना, आप 23 पे रुक गए, ठीक है, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने दो। 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर दो। अब पीछे बहुत इजी मल्टीप्लीकेशन है, 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आई गेस ये शायद 600 आ रहा है मेरे जहन में जो है। तो 25 को 24 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अराउंड 600 कुछ आ जाएगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो देखने में सवाल इतना मुश्किल लग रहा था, ये आपने सिंपल पार्शियल फैक्टोरियल करके आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जनरल फॉर्म यहां तक हमने देखी थी, अब जनरल फॉर्म को भी हम पार्शियल रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो n फैक्टोरियल बराबर होगा n मल्टीप्लाई n माइनस 1, इसके बाद नहीं मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल आप n माइनस 1 पर रुकना चाह रहे हो तो आप रुक जाओ और यहां पे फैक्टोरियल डाल दो, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म लिखी जाती है फैक्टोरियल की। नॉर्मली आप इस तरीके से फैक्टोरियल को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि पूरा लिखने से बेहतर, इतनी लंबी फॉर्म लिखने से बेहतर आप यहां तक रोक देते हो, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल 10 पुट करो तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इस तरह कुछ भी पुट कर सकते हो। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है जो आपको जीरो फैक्टोरियल को समझने में हेल्प करेगा। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि ये जो एन है ना, इसको डिवाइड करवा दो तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन। सिंपल, आपने इस n को जाके डिवाइड करवा दिया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपने जगह पे। तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीका ये भी है, ठीक है। ये मैंने पूरा फैक्टोरियल से रिलेटेड आप लोगों को बता दिया। अब वो वक्त है कि बहुत ही मशहूर जमाना क्वेश्चन है कि y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इस सवाल का जरा हम जवाब दे देते हैं कि y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। असूली तौर पे जो आप लोगों के जहन में आ रहा है, जितनी मैथ आपने अभी तक पढ़ी है, आप लोगों के जहन में चीज आएगी कि यार जीरो फैक्टोरियल का आंसर जीरो होना चाहिए, वन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। इस चीज को समझने से पहले, या मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद जो इस पे आमतौर पर स्टूडेंट एतराज करते हैं ना, उसके जवाब में मैं एक जवाब दूंगा ताकि आप लोगों का थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जीरो फैक्टोरियल का आंसर होता क्या, कैसे हमने मालूम किया। देखो, मालूम करने का तरीका यह है कि ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, इसको छोड़ दो, ये अभी मैं बताऊंगा, ये दूसरा तरीका होगा, पैटर्न के हिसाब से भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं फैक्टोरियल के जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूं। ये जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है ना, ये वैलिड किसके ऊपर है, मतलब जब एन बिलोंग कर रहा हो नेचुरल नंबर से, या पॉजिटिव इंटीजर आप कह दो, नेचुरल नंबर लिखो या पॉजिटिव इंटीजर को बात एक ही, मतलब इस फॉर्मूले में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही पुट कर सकते हो, जो कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, ठीक है। अब सवाल है कि जीरो तो पॉजिटिव नहीं होता, इसको हमने अलग से क्यों डिफाइन किया। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लो, जीरो को हमने डिफाइन करने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जब आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये सब चीजें आप क्यों सॉल्व कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी के लिए। आप परमुटेशन क्यों पढ़ोगे, आप कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ोगे, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी में दोनों चीजें आ रही होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इन तीनों टॉपिक में किसी भी सवाल के अंदर जीरो फैक्टोरियल आ जाता है। अब जीरो फैक्टोरियल का डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये चीजें मालूम करने के लिए आपको जीरो फैक्टोरियल पता होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई जीरो फैक्टोरियल को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने इंपॉर्टेंस देखी कि हम क्यों जीरो फैक्टोरियल के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसको डिफाइन करना। अब दूसरी बात, डिफाइन किस तरीके से करेंगे इसको। ये जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने फैक्टोरियल का लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड, आप इसमें 1 पुट कर दो, ठीक है। इस फॉर्मूले में जरा मैं 1 पुट करता हूं, n फैक्टोरियल बराबर है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें मैं n की जगह 1 पुट कर सकता हूं या 1 से ग्रेटर, 1 से कुछ कम नहीं पुट कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं 1 पुट करता हूं, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहां पे n की जगह मैं 1 पुट करता हूं और ब्रैकेट के अंदर भी n की जगह मैं 1 पुट कर देता हूं, ठीक है। आपको पता है 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 1 के बराबर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, ये 1 अपनी जगह पे। यहां पे लिखा है 1 माइनस 1 0। अब इस नतीजे पे आप पहुंच गए हो कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, आपको जीरो फैक्टोरियल का आंसर अभी नहीं पता, भूल जाओ जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, आपको नहीं पता, आपने इसको डिफाइन करना है। आपने मैथ का ये रूल बचपन से देखा है कि यार 1 आंसर कैसे आता है, अगर दो नंबर में से एक नंबर 1 हो
तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, दूसरा नंबर भी वन होना चाहिए, तभी वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन आएगा ना। यार देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर वन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे एक नंबर वन है। अब भाई वन को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट में वन आएगा, एक ही ऑप्शन है कि वन को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तभी रिजल्ट में वन आएगा, वन को अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरह हमने डिफाइन किया कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन के बराबर। वरना ये जो फॉर्मूले तो सेटिस्फाई नहीं होगा जीरो फैक्टोरियल के। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू आपने टू ले ली तो वन मल्टीप्लाई टू क्या होता है, टू के बराबर, तो टू वन के बराबर कैसे हो सकता है, ये तो इक्वेशन ही आपकी गलत हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई जीरो फैक्टोरियल को आपने डिफाइन कर दिया जिसके बराबर है वन के बराबर। दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो कि वन आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, वन डिवाइड बाय वन जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से ये बेसिक डेफिनेशन है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जीरो फैक्टोरियल वन कहां से आया, वो यहां से आया। इस तरीके से आपने जीरो फैक्टोरियल को डिफाइन किया कि उसकी वैल्यू होती है वन के बराबर। ठीक है, अब ये एक तरीका है, चीज एक ही है। अभी जो मैं दूसरा समझाने लगा हूं वो भी यही है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि मजीद बात आप लोगों को क्लियर हो जाए। और वो है एक पैटर्न बेस। पैटर्न बेस का मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखवाया है, इस फॉर्मूले की जरा मैं दो तीन वैल्यूज लिखता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। इस फॉर्मूले में फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये रीजन काफी है बताने के लिए, यह मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को बाकी बातें बता रहा हूं। फॉर्मूला देखो वही है लेकिन दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं। अगर आप इसके अंदर फोर पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एन की जगह फोर पुट करो, ये हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री, यहां पे एन की जगह फोर पुट करो फोर फैक्टोरियल, यहां पे एन की जगह फोर पुट करो, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि थ्री फैक्टोरियल बराबर है फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर, यही है ना। इसी तरीके से अगर मैं एन की जगह यहां पे थ्री पुट करता हूं तो थ्री माइनस वन टू फैक्टोरियल, यहां पे एन की जगह थ्री पुट करो, यहां पे एन की जगह थ्री पुट करो, सही है। तो टू फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री, और ये बिल्कुल वैलिड है भाई। फोर फैक्टोरियल क्या होता है, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय फोर सिक्स, तो आपको पता है थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय थ्री टू, आपको पता है टू फैक्टोरियल जो है वो टू के बराबर होता है। मतलब इन फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका है कि आपके पास अगर थ्री फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर, मतलब एक नंबर ग्रेटर उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो वाला नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं टेन फैक्टोरियल, तो टेन फैक्टोरियल बराबर होगा इलेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इलेवन, इसी तरह ट्वेंटी फैक्टोरियल बराबर होगा ट्वेंटी वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन, बिल्कुल वो वाला पैटर्न चलता हुआ है। इसी पैटर्न पे आप क्या करो, जगह मेरे पास इतनी नहीं रही, इसी पैटर्न पे आप वन फैक्टोरियल का आंसर निकालो। वन फैक्टोरियल क्या होगा, टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू, ये पैटर्न है ना पूरा। टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू, टू अपॉन टू वन, तो वन फैक्टोरियल किसके बराबर है, वन के बराबर। तो इसी पैटर्न पे आपने जीरो फैक्टोरियल को लिखना है। जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन, ये बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि जीरो फैक्टोरियल बराबर था वन फैक्टोरियल अपॉन वन। चीज को दूसरे तरीके से समझाया गया, सॉल्व करो अब इसको, आंसर क्या आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है, क्योंकि वन फैक्टोरियल होता है वन के बराबर, वन अपॉन वन क्या होता है वन, जीरो फैक्टोरियल वन होता है। अब ये पैटर्न सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पैटर्न को नीचे तक लेके जाना चाह रहे हो, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप लोग सुनना कि जीरो फैक्टोरियल तो आपने देख लिया वन के बराबर होता है, एक ही फॉर्मूला है, दो तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर मैं बात नीचे तक लेके जाऊं, अगर मैं यहां पे माइनस वन पुट करूं, यही पैटर्न जो है ये मैं माइनस वन के ऊपर अप्लाई करूं, अगर मैं बोलूं कि यार मैं माइनस वन फैक्टोरियल को लिखना चाह रहा हूं बिल्कुल इस पैटर्न के तहत, तो यहां पे कोई भी अच्छा बच्चा मुझे बता सकता है कि ये माइनस वन फैक्टोरियल को मैं इस पैटर्न के मुताबिक कैसे लिखूंगा। एक्सीलेंट, माइनस वन फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, जीरो फैक्टोरियल अपॉन जीरो, इसी तरह लिखना चाहिए। सॉल्व करते हैं, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन के बराबर, ये क्या आ रहा है, वन अपॉन जीरो, और याद रखना वन अपॉन जीरो एक अनडिफाइंड फॉर्म है, वन अपॉन जीरो को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व, और ये सब नेगेटिव नंबर्स के लिए, यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व की कि नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते आप, खासतौर पर नेगेटिव इंटीजर्स। अभी मैं बताऊंगा मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात क्यों कर रहा हूं, कि नेगेटिव इंटीजर आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर है माइनस वन, वही डिफाइन नहीं है, तो इसके अलावा कैसे डिफाइन होंगे। ठीक है,
तो यहां से आपने रिजल्ट ये निकाला कि फैक्टोरियल जो है सबसे पहली बात पॉजिटिव नंबर के ऊपर वैलिड है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, ये शर्त है इसकी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो हमने अपनी आसानी के लिए, हमें जरूरत थी उसकी, वो क्या था कि जीरो फैक्टोरियल को हमने डिफाइन करना था, तो जीरो फैक्टोरियल को हमने बिल्कुल इसी फॉर्मूले के तहत डिफाइन कर लिया वन के बराबर, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों का लेवल अभी छोटा, जो नेक्स्ट लेवल है ना, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे ये चीज पढ़ाई जाती है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन बेसिकली फैक्टोरियल का नेक्स्ट वर्जन है। क्यों, फैक्टोरियल का मसला क्या है? फैक्टोरियल का मसला ये है कि आप नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, आप पॉजिटिव नंबर्स का नहीं निकाल सकते, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर का निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 1.5 का फैक्टोरियल निकालो, आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये फैक्टोरियल का मसला है। तो इस मसले को हमने ओवरकम कैसे किया, गैमा फंक्शन से। अब गैमा फंक्शन क्या होता है, डेफिनेटली आप लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, किसी को शौक हो तो आप लोग गूगल कर सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उसमें। गैमा फंक्शन जो है वो, उसकी वजह से हम क्या होता है, गैमा फंक्शन की वजह से हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। वो पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन हो, डेसिमल कुछ भी हो, 0.5 का, 1.5 का, 1.32 का, किसी भी नंबर का पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। इसी तरह गैमा फंक्शन से आप किसी भी नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो, -1.5, -2.34। बस एक चीज है, चाहे गैमा फंक्शन हो चाहे फैक्टोरियल फंक्शन हो, आप नेगेटिव इंटीजर्स का नहीं निकाल सकते, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप चाहे गैमा फंक्शन से निकालो या फैक्टोरियल फंक्शन से, मसला आपने देख लिया कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो मसला करते हैं। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1, -2, -3, इनका फैक्टोरियल नहीं आ सकता, चाहे गैमा फंक्शन से चाहे इस फंक्शन से, आप इनका नहीं निकाल सकते। नेगेटिव नंबर्स का निकाल सकते हो अदर देन नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1.5, -2.5, इनका निकाल सकते हो, ठीक है।